हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। कई बार ऐसे होता है कि ब्रेकफास्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पुरानी चीज को नए तरीके से परोसा जाता है और बनाया जाता है। आज मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूं। अच्छा, नामकरण करेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है ना। ये समझिए कि ब्रेड एक पॉकेट से एक तरीके से। कमेंट्स में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दो अंडे विस्क कर देते हैं, इसमें थोड़ा प्याज, टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें, हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक शमक करिएगा, ठीक है। ये लीजिए, आपके बच्चे कहते हैं अरे सेम पुरानी चीज हमको खिला रहे हो। तो जब पुरानी चीज नए तरीके से परोसी जाती है सबको एक्साइटमेंट होता है, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये लीजिए, एक को विस्क कर लिया, बढ़िया मजेदार बना दिया। अब इसका अगर सीधा सीधा ऑमलेट बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो ब्रेड के इस तरह के दो टुकड़े ले लेते हैं, मैं इनको एक साथ जोड़ देता हूँ और इसका पॉकेट बना लेता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, कोने से काट ले, पॉकेट नंबर वन और ये दूसरी पॉकेट बन गई। तो इसी तरह से काट लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल और बटर ये डाल लेते हैं, खांचे इसमें रख देते हैं। ये लीजिए, वाह, ये मेरा अंडे का मिश्रण। ये बड़ा सिंपल है, अंडे का मिश्रण इसमें डाल लेते हैं। अब ये जो हमने काटा है ये इसके ऊपर रख लेते हैं, यहां पे प्रेस कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल और लगा लेते हैं। वाह, ये देखिए अंडा नीचे से पक गया, इसे पलट लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। चलिए जी, बढ़िया ब्रेड एग पॉकेट्स तैयार है, परोसने के लिए हम तैयार। वाह, काटेंगे ना, ये देखिए, वाह, लो जी भाई, मैंने तो इसका नाम ब्रेड एग पॉकेट्स दिया है। कमेंट्स में आप अपना नाम जरूर सजेस्ट करें।